हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू इसवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल स्टडी फॉर ऑल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स है। सो बहुत उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ब्रेन का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ था, सो पार्ट वन था, पार्ट सेकंड कल ही मैं अपलोड करूँगा। सो डिस्कस करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आज के एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप समझ में भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो शांति का मतलब शुभ, शांति का मतलब क्या होता है, शुभ। तो 21 सितंबर को मनाया गया, ठीक। तो 21 सितंबर को प्रतिवर्ष के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी बात कहेगी थीम क्या है, अच्छा बात कहेगी इसकी थीम क्या है, तो इसका थीम है, ध्यान से देखिएगा, इसकी बात कहेगी थीम क्या है, तो शेपिंग पीस टुगेदर। इसका थीम क्या है भैया, तो शेपिंग पीस टुगेदर, मतलब हम पीस बनाए रखें साथ साथ मिलकर, ठीक। तो पीस टुगेदर, सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, शेपिंग पीस टुगेदर इसका थीम है। अच्छा, बात की है ये कि कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को पोषण अभियान के तहत गाय देने का फैसला किसने कहा है, तो कुपोषित, ध्यान से देखिएगा, कुपोषित मतलब जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है, किसकी प्रोटीन की कमी है, तो कुपोषित बच्चों वाले परिवारों, तो कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को, किसको भैया, कुपोषित बच्चे वाले परिवारों को, ठीक है, किस अभियान के तहत, तो पोषण अभियान के तहत, पोषण यानी न्यूट्रिशन मिशन, यानी पोषण अभियान के तहत गाय देने का फैसला किया गया है, ठीक है, गाय देने का फैसला किया गया है, क्या देने का फैसला किया गया, तो गाय देने का फैसला किया है, तो किस गवर्नमेंट ने किया होगा, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही रहा होगा, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को पोषण अभियान के तहत गाय देने का फैसला किया है, किस स्टेट ने, तो उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, जिसमें प्रतिदिन गाय के देखभाल के लिए, प्रतिदिन ध्यान से देखिएगा, प्रतिदिन किसकी देखभाल के लिए, गाय की देखभाल के लिए, अब खर्च तो आएगा गाय को अगर देखभाल करना है। अब इससे पोषण का संबंध क्या है, तो गाय है तो गाय क्या देती है, दूध देती है, जिससे जो परिवार है उसको दूध मिल जाएगा और गाय को एक मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाएगा। तो प्रतिदिन गाय को इसमें क्या दिया जाएगा, प्रतिदिन गाय को मतलब गाय के लिए किसके लिए, गाय के लिए 30 रुपये की धनराशि भी दी जाएगी इसकी देखभाल के लिए, तो 30 रुपये की राशि दी जाएगी, 30 रुपये की अमाउंट दिया जाएगा किसके लिए, देखभाल के लिए, ठीक है। तो उतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, तो 30 या 900, तो 900 रुपये दिया जाएंगे प्रति माह, ठीक है। तो कुपोषित बच्चों वाले परिवार को पोषण अभियान के तहत गाय देने का फैसला किया गया है। गाय क्या देगी, दूध देगी, दूध कब देगी, अब उसे क्या मिलेगा, उसे भी चारा अच्छा मिलेगा, ठीक है, उसको भी खाना अच्छे से भोजन मिलेगा, ठीक। तो प्रतिदिन गाय को 30 रुपये के हिसाब से देने की बात कही गई है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात कहेगी अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, क्या भैया, तो ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तटीय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तटीय, तटीय मतलब जो तट से घिरे हों, मतलब समुद्र नदियों से घिरे हों, तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, तट को हमें साफ रखना है, साफ सफाई करनी है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कि ये 19 सितंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भैया, 19 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, प्रतिवर्ष 19 सितंबर मैंने नहीं बोला है, 19 सितंबर तो ये बोला जाएगा, इस बार का अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया, तो 19 सितंबर को मनाया गया, यानी 19 सितंबर को प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक सितंबर के, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक मतलब जब भी हर साल में जब भी सितंबर आएगा, यानी प्रत्येक सितंबर के तीसरे शनिवार, तो प्रत्येक सितंबर के तीसरे शनिवार, तो इस बार का तीसरा शनिवार कब पड़ा, तो इस बार का तीसरा शनिवार पड़ा आपका 19 सितंबर को, इसीलिए 19 सितंबर को इस बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे आगे मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक, इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछाएगा अभी हाल ही में 2020 का मानव पूंजी सूचकांक। देखिए सूचकांक बहुत पेपर में आता है, हमेशा मैं बताता रहा हूँ, तो इस बार भी अभी पेपर में आया समीक्षा अधिकारी में कि सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मानव, ये नहीं आया था पर दूसरा आया था, मानव पूंजी सूचकांक में 2020 का जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी हाल ही में जारी हुआ है मानव पूंजी सूचकांक, जिसमें भारत की बात की गई, भारत की रैंक कौन सी थी, तो जो भारत की रैंक बताई गई है, ध्यान से देखिएगा, जो भारत का स्थान बताया गया है वो 116वां है। कौन से नंबर पे है इंडिया? तो 116वें नंबर पे स्थान है। बात की जाएगी इसको जारी कौन करता है, बात की जाएगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप। कौन इसको जारी करता है, बात की जाएगी तो मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस एक संस्था है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ये संस्था, और ये संस्था किसके साथ मिलकर जारी करती है, ध्यान से देखिएगा, और वर्ल्ड बैंक, किसके साथ मिलकर, पैसा, वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, पूंजी यानी बैंक से संबंधित होगा ये, तो वर्ल्ड बैंक आएगी। तो बात की जाइए कि मानव इस साल का 2020 का मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा, तो 116वां। जारी कौन करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड वर्ल्ड बैंक की मदद से इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस। क्वेश्चन क्या पूछाएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस। तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते होंगे अल्जाइमर एक डिसीज है, क्या है डिसीज है, जो पेपर में बहुत ही बार डिसीज से आता ही है, तो ध्यान से देखिएगा। अल्जाइमर में क्या होता है, क्या प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, तो मस्तिष्क प्रभावित होती है। अल्जाइमर में क्या प्रभावित होता है भैया, मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इतने में कोई समस्या नहीं, तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को मैंने बताया था अभी कौन सा पहला दिवस मनाया गया था, ठीक, और ये भी दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो अल्जाइमर से क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होती है। मस्तिष्क क्या होता है, मतलब कि व्यक्ति क्या होता है, भूलने लगता है, याददाश्त उसकी बहुत कमजोर होती है, व्यक्ति भूलने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है, भूलने लगता है। ठीक है, व्यक्ति भूलने लगता है इसमें, मतलब उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है इसमें। ठीक, अच्छा बात की इस बार का अल्जाइमर दिवस का थीम क्या था, तो ध्यान से देखिएगा इसका जो थीम रखा गया था, ध्यान से देखिएगा, मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ठीक, आपको बताना है डिमेंशिया का संबंध सीधा अल्जाइमर से है, पर बताइएगा डिमेंशिया में क्या होता है व्यक्ति को, ये सिम्टम्स बताना है आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, 4D रोग में मैंने डिमेंशिया के बारे में बताया था, 4D रोग में, इसमें डी फॉर एक डी का मतलब डिमेंशिया भी था। आपको बताना है 4D रोग किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो 4D रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, और अगर बात की जाएगी इसका क्या रखा गया है, तो इसका थीम रखा गया है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ठीक है, ये जो आपका अल्जाइमर है इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, इंसान को याद नहीं रहता है, वो उसकी मेमोरी धीरे दिन प्रतिदिन लॉस होती जाती है। अभी जानते होंगे आगरा में म्यूजियम बन रहा है, आगरा में क्या बन रहा है भैया, आगरा में म्यूजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, आगरा में म्यूजियम बन रहा है। ठीक है, तो उस म्यूजियम का नाम क्या है जो बन रहा था, तो ध्यान से देखिएगा आगरा में जो बन रहा है म्यूजियम, तो उस म्यूजियम का नाम है मुगल म्यूजियम। क्या नाम रखा गया, मुगल म्यूजियम। आप जानते हैं मुगल वंश और यूपी गवर्नमेंट की सरकार कितनी अगेंस्ट है, तो आप जानते हैं मुगल म्यूजियम। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसका नाम हटा दिया है, रिप्लेस करके, मतलब परिवर्तित करके एक नया नाम रखा गया है, परिवर्तित मतलब नाम चेंज किया गया। तो क्वेश्चन पूछाएगा, पहला क्वेश्चन पूछाएगा आगरा में कौन सा म्यूजियम बन रहा था, तो मुगल म्यूजियम, उसका नाम परिवर्तित करके या हटा करके क्या नाम रखा गया, तो बहुत ही अच्छा नाम रखा गया, छत्रपति शिवाजी के नाम से, तो बहुत ही अच्छा है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के नाम से इसको म्यूजियम का नाम रखा गया है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही जानने वाली चीज़ है।
तो आप क्वेश्चन पूछाएगा कि आगरा में बन रहे म्यूजियम का नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी। इसका पहले क्या नाम था, मुगल म्यूजियम। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, छत्रपति शिवाजी। तो इसको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आप ऐसे पढ़ते जाइए। तो विश्व पूंजी सूचकांक जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें भारत का रैंक 116 रहा है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका थीम रखा गया लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, और इसे मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से, याददाश्त हमेशा कमज़ोर होती जाती है दिन प्रतिदिन, ठीक। अगर बात की जाएगी, अभी हाल ही में आईजी नोबल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पीएम मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आईजी नोबल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया, आईजी नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये पाने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं, मोदी जी दूसरे व्यक्ति बने हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति बने हैं आईजी नोबल पुरस्कार पाने वाले। तो आपको बताना है आईजी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, आईजी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी बने हैं आईजी नोबल पुरस्कार पाने वाले। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति जानते होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई थी उन्होंने, तो उनका नाम समझ जाने गए होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बिना मिला। अब ये किसको मिला है, तो मोदी जी को बिना है। अच्छा बात कहिए, इनको क्यों दिया गया, किस बिहाव पे दिया गया, तो ध्यान से देखिएगा। कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं को जीवन बचाने के लिए, मतलब उन्होंने मोटिवेट किया उन्होंने वीडियो के तहत, तो किसके लोगों को, किसको, लोगों को और लोगों और राजनेताओं का जीवन बचाने के लिए क्या किया, इन्होंने सुझाव दिया किसे बचना है, तो लोगों और राजनेताओं को जीवन बचाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने बताया। इसी के तर्ज पे इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो मिला ही था आईजी नोबल पुरस्कार, दूसरे व्यक्ति कौन बने, पीएम मोदी जी, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस इसको, ठीक, क्या है, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस, तो आप जानते होंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस, तो आपको बताना है एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है आपको। तो प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि एक सिंह वाला गैंडा ये आपको किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा और किस राज्य में वह स्थित है। तो प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, ध्यान से देखिए कब मनाया जाता है, तो 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व गैंडा दिवस ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जंगली जीवों की इस प्रजाति के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए, तो इसमें गैंडे को क्या करना रहता है, संरक्षण, मतलब कि इनके महत्व को बताया जाता है इस दिवस में, कि इनको बचाया जाए, इनका संरक्षण किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको कंजर्वेशन किया जाए, जिससे इन जो मर रहे हैं गैंडा उनको बचाया जा सके, ये संकटाग्रस्त में आ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया था, 22 सितंबर को, ठीक है। इसमें संरक्षण के बारे में, उनके महत्व के बारे में संरक्षण किया जाता है, उनका महत्व बताया जाता है जिससे उनका संरक्षण हो सके, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की जाएगी, और क्या बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत ही अच्छा लगे। अच्छा बात की जाएगी अन्न उत्सव कार्यक्रम, क्या क्वेश्चन पूछाएगा, अन्न उत्सव कार्यक्रम, कौन सा क्वेश्चन है, अन्न उत्सव कार्यक्रम, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अन्न उत्सव कार्यक्रम क्वेश्चन पूछेगा, किस राज्य ने अन्न उत्सव कार्यक्रम चलाया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश यानी शिवराज सिंह की सरकार ने अभी हाल ही में अन्न उत्सव कार्यक्रम चलाया। आपको बताना है मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, यानी राज्यपाल का नाम क्या है। तो देखिएगा आप ये कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, बहुत ही अन्न का मतलब ही समझ रहे होंगे, एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है कार्यक्रम, मतलब अन्न भी दिया जाएगा इसमें, मतलब जिनके पास बिना राशन कार्ड के जो व्यक्ति हैं, तो जैसे बिना राशन
कार्ड है तो कैसे उनको राशन मिले, तो बिना राशन कार्ड के व्यक्ति को भी क्या दिया जाएगा, तो बिना राशन कार्ड के व्यक्ति को भी क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि व्यक्ति को भी राशन प्रदान किया जाएगा, को भी क्या दिया जाएगा भैया, राशन प्रदान किया जाएगा। तो दिस इज द वेरी मोस्ट, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार बिना राशन कार्ड के व्यक्ति को राशन प्रदान करेगा किस कार्यक्रम के तहत, तो अन्न उत्सव कार्यक्रम, या पूछा जाएगा अन्न उत्सव कार्यक्रम किसने शुरुआत की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की, जिसमें क्या होगा बिना राशन कार्ड जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी क्या दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, मतलब कि इतने उम्मीद करता हूँ राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी।